अस्सलाम वालेकुम जी, चलते फिरते मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ मेन शारे फैसल पर और यहाँ पर बदतरीन ट्रैफिक जाम आपको नज़र आ रहा है। डिग रोड से लेकर सदर तक ये ट्रैफिक जाम है और इस वक्त आप देखें हज़ारों गाड़ियाँ इस वक्त शारे फैसल पर जो रोड डिग रोड से सदर जा रहा है उस पर फंसी हुई हैं। और ये जो पुल चढ़ रहा है ये बलोच कॉलोनी का पुल है, बाकी आप ये देख सकते हैं नीचे भी देखें कारें ही कारें आपको नज़र आ रही हैं। तो ये बदतरीन ट्रैफिक जाम है और शारे फैसल पूरा इस वक्त जाम हुआ हुआ है। आप देख सकते हैं तकरीबन डिग रोड से यहाँ पर पहुँचने में मुझे एक घंटा लगा है। आप ये देखें कि कितना ट्रैफिक जाम है, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं। तो इस वक्त ये शारे फैसल के मनाजिर हैं, बाकी ये जो रोड जा रहा है ये बलोच कॉलोनी का पुल है और इस वक्त की ये सूरत हाल है। आप देख सकते हैं कि गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ यहाँ पर फंसी हुई हैं। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, ये देखें हज़ारों गाड़ियाँ इस वक्त फंसी हुई हैं और ट्रैफिक बहुत जाम है। एम्बुलेंस भी फंसी हुई हैं इसके अंदर, गाड़ियाँ भी हैं। बाकी जो रोड सदर से मलीर जा रहा है शारे फैसल वो बिल्कुल क्लियर है। आप देखें ये बलोच कॉलोनी का पुल है और ये पूरी पूरी गाड़ियाँ यहाँ पर फंसी हुई हैं। अब पता नहीं क्या हुआ है आगे, किस वजह से ये ट्रैफिक जाम है, होना तो नहीं चाहिए, लेकिन शारे फैसल का अमूमन ये रोड हमेशा बिल्कुल फ्री होता है, बिज़ी नहीं होता है। शाम के अवकात में वो रोड बहुत ज़्यादा बिज़ी होता है क्योंकि जब ऑफिस वर्कर्स अपने अपने घरों पर जाते हैं तो वो उस वक्त वो रोड बिज़ी होता है, लेकिन ये रोड इस वक्त बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है और ट्रैफिक बहुत जाम है। लोग हो रहे हैं बलोच कॉलोनी का रुख किया हुआ है, ज़्यादातर लोग यहाँ चढ़ रहे हैं और आप देखें गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, गाड़ियों की कतारें आपको इस वक्त नज़र आ रही हैं बलोच कॉलोनी के पुल से। मैं आपको ये लाइव मनाजिर दिखा रहा हूँ, ये देखें आप। मतलब के हर कदम के ऊपर ब्रेक मारना पड़ रहा है गाड़ियों वालों को और बहुत से लोग फुटपाथ पे चढ़ा के गाड़ियाँ इस साइड लेके आ रहे हैं। आप ये भी देखें कि इस वक्त ये मनाजिर हैं शारे फैसल के, बहुत ही बदतरीन ट्रैफिक जाम आपको नज़र आ रहा है। ये देखें आप गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ फंसी हुई हैं, ये देखें। अमूमन शहर कराची में इस तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ता है, लेकिन शारे फैसल के ऊपर डिग रोड से सदर जाने वाला रोड हमेशा बिल्कुल इजी होता है जाने के लिए, उस पर ट्रैफिक नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर जो ट्रैफिक जाम है, ज़रूर कोई ना कोई वजूहत हुई है जिसकी वजह से ये ट्रैफिक जाम है। ये टीन डब्बे वाला भाई भी इस ट्रैफिक को देख रहा है कि भाई ये जाम क्यों है, क्योंकि उसको भी यहाँ से नीचे जाना है। ये देखें आप बाकी गाड़ियाँ गाड़ियाँ आ रही हैं। बहुत ट्रैफिक जाम है, हालांकि ऐसा होता नहीं है कि शारे फैसल का ये रोड जाम हो। आप कहाँ से आ रहे हैं? आप सामने से आ रहे हैं, ये देखें भाई देख रहे हैं, भाई भी यही देख रहे हैं कि यार ये ट्रैफिक जाम होता नहीं है, क्योंकि मैं को डिग रोड से यहाँ पर पहुँचा हूँ तो तकरीबन आधा पौना घंटा मुझे लग गया आने में यहाँ पर। बाकी जो गाड़ियाँ इस साइड का रुक कर रही हैं ये बलोच कॉलोनी की तरफ जा रही हैं और ये रोड बलोच कॉलोनी की तरफ जा रहा है, कोरंगी कॉजवे की तरफ जा रहा है, आप देख सकते हैं। और बाकी काफ़ी गाड़ियाँ हैं जो इस साइड रुक कर रही हैं, बाकी जो पेपर्स बस सर्विस फंस गई है इसके अंदर, ये देख सकते हैं आप। इस वीडियो को जितना हो सके आप शेयर करें। ये मनाजिर हैं इस वक्त शारे फैसल के, जो गाड़ियां यहां से गुज़र रही हैं और काफ़ी रोड जाम है। और वैसे भी आपको पता है शहर कराची की जो सूरत हाल है उसके अंदर ये सामना आपको करना पड़ता है कि शारे फैसल पे इस तरह की सूरत हाल खैर अपना अमूमन होती है उस रोड की, लेकिन आज इस रोड के ऊपर ट्रैफिक जाम है तो कोई ना कोई वजूहत है। तो खैर हमें नहीं पता क्या वजूहत है, बहरहाल अभी जो लोग शारे फैसल का रुख कर रहे हैं वो कम से कम आज ना है यहाँ पर। अब देखें कब तक जाम रहता है, कोई ना कोई वजूहत हो सकती है, क्योंकि अभी लास्ट टाइम भी आपको देखा था कि वो शहर आया था तो शहर की वजह से भी काफ़ी ट्रैफिक जाम हो गया था। तो ये आप देख सकते हैं कि इस वक्त ये मनाजिर शारे फैसल के हैं और लोग काफ़ी स्लो अपनी गाड़ियों को गुजार रहे हैं, कारें ही कारें आपको दूर से नज़र आ रही हैं। शहर कराची के अंदर वैसे भी आपको पता है सड़कें ख़राब हैं, रोड ख़राब है, सेवेज का मसला, बिजली का मसला, गैस का मसला और अब ये ट्रैफिक का मसला। तो खैर इस तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। लोग बेचारे हैरत से देख रहे हैं कि यार उन्होंने जाना सदर है लेकिन बेचारे वो जा बलोच कॉलोनी की तरफ रहे हैं। आप ये देखें बलोच कॉलोनी के पुल पर चढ़ रहे हैं वो, क्योंकि ट्रैफिक जाम होने की वजह से। ये देखें आप गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, आपको गाड़ियों की कतारें नज़र आ रही हैं, आपको चारों तरफ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं और वो रोड बिल्कुल क्लियर है। हालांकि अमूमन शाम के अवकात में ऑफिस वर्किंग के टाइम में वो रोड बहुत ज़्यादा बिजी होता है। अभी देखिए स्लो गाड़ियाँ गुजर रही हैं जिसके अंदर लोग अपने घरों पर जा रहे हैं, कोई काम पर जा रहा है, कोई बसों में बैठे हुए हैं, गाड़ियों में हैं, एम्बुलेंसेज भी हैं,
तो काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी, कराची की सबसे बड़ी शाहरा है ये शाहरा फैसल, और जो बहुत ही ट्रैफिक के लिए बिज़ी रहती है। अब पता नहीं क्या वजह है और क्यों मतलब कि ये जाम है ट्रैफिक, आप ये देख सकते हैं। मतलब कि डिगरोड तक आप देखें, यहाँ से बलोच कॉलोनी से डिगरोड तकरीबन 8-9 किलोमीटर है, तो ये 8-9 किलोमीटर का एरिया जाम है। यहाँ से सदर भी तकरीबन 5-6 किलोमीटर है, आप ये देख सकते हैं तकरीबन 14-15 किलोमीटर का एरिया जो बिल्कुल ही जाम चल रहा है। बाकी मेरे इस तरफ में बलोच कॉलोनी का पुल बिल्कुल रियल चल रहा है। इस वीडियो को जितना हो सके आप शेयर करें, चलते फिरते आपसे चाहता है इजाज़त, और पेज को फॉलो भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।